गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ डू एस डायरेक्टेड के बारे में जानेंगे। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं। इफ इट डजेंट रेन द क्रॉप्स विल फेल, इफ इट डजेंट रेन द क्रॉप्स विल फेल। इसमें हमें अनलेस का प्रयोग करना है, इफ हटा देना है। तो देखो, चूंकि हम इसमें अनलेस का प्रयोग करने वाले हैं, इफ के स्थान पर इफ को हम हटाएंगे, वहाँ हम अनलेस रख देंगे। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। जब हम अनलेस रखेंगे तो हम क्या क्या हटाएंगे, तो हम इफ हटाएंगे और साथ में नॉट हटा देंगे। तो यहाँ पर नॉट तो हटेगा, साथ में डज भी हट जाएगा। इफ और डज नॉट दोनों हट जाएंगे। तो पहले आ गया अनलेस, फिर आ गया इट, डज नॉट हट गया, रेन है ना, जो क्योंकि डज हट गया तो यस लग जाएगा। अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल, ऐसा आंसर होगा। कैसे पता चल गया? देखो, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, और यहाँ पर हमें इफ को हमें हटा करके अनलेस रखना है। तो इफ अकेला नहीं हटेगा, इफ के साथ साथ नॉट भी हटेगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। अनलेस रखा मतलब आपने इफ नॉट रख दिया, ये हटा देंगे अनलेस रखने पर, और नाट हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो नाट है वो डज क्यों आया, नाट के कारण डज भी हट जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। नेक्स्ट देखते हैं, ही बेंट अर्ली क्या है हमें डायरेक्शन? एट अ सूटेबल क्वेश्चन टैग, ही बेंट अर्ली, इसमें हमें क्वेश्चन टैग बनाना। जब कभी भी हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो तो जो भी वाक्य दिया है उसकी हमें वर्ब पर ध्यान देना पड़ता है। ही बेंट अर्ली, इसमें वर्ब है बेंट, बेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यदि सेकंड फॉर्म है तो हमें डिडंट रखना है और फिर सब्जेक्ट रख देना। ही बेंट अर्ली डिडंट ही बेंट अर्ली डिडंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है, विनोद इज गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, विनोद इज गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। क्या करना हमें? चेंज इनटू पैसो वाइज, पैसो वाइज बनाना है। पैसो वाइज जब हम बनाएंगे तो इस पहले हम वाक्य को समझ लें। विनोद इज गोइंग टू, इसमें ध्यान दें इज गोइंग टू एक स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है। जब कभी भी वाक्य में स्ट्रक्चर आए तो हम जब पैसो वाइज बनाएंगे तो पहले हम जो भी वाक्य दिया है उसका हम रख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस। इसके बाद हम जो स्ट्रक्चर दिया है उसको रखेंगे, अ न्यू हाउस इज गोइंग टू, फिर हम बी रखेंगे और वर्ब का तीसरा रूप रख देंगे। अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बाय का हो जाएगा बॉट बाय विनोद। आंसर क्या बन गया? अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बॉट बाय विनोद। कैसे बनाया है? क्योंकि हमने जब वाक्य का अध्ययन किया तो हमें पता चला इस वाक्य में इज गोइंग टू का प्रयोग है। तो पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस, फिर रख देंगे हम इज गोइंग टू, अ न्यू हाउस इज गोइंग टू, अब हम बी रखेंगे और वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे, अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बॉट बाई विनोद। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉयज सॉ अ टेम्पल ऑन द हिल, द बॉयज सॉ अ टेम्पल ऑन द हिल। मेक अ क्वेश्चन यूजिंग वेयर, वेयर का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन बनाना। वेयर से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम वेयर रखेंगे, वेयर रखने के बाद जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो वेयर के बाद हम उस हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो हमें वाक्य की वर्ब देखना है। अगर पहला रूप होगा तो डू रख देना वेयर के बाद, दूसरा रूप होगा तो डिड रख देंगे, ऐसे ही यस होगा तो डज रख देंगे। पहले आएगा वेयर, फिर या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वाक्य की वर्ब के अनुसार डू डज और डिड में से कोई एक आएगा। इस वाक्य को हमने देखा जब जिसमें द बॉय सा, जो सा है जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए पहले तो आ गया वेयर, वेयर के बाद में सेकंड फॉर्म डिड आ गया, वेयर डिड, अब सब्जेक्ट रख देंगे, वेयर डिड द बॉय सा जो था वो सेकंड फॉर्म है क्योंकि हमने डिड रख दिया है, इसलिए हम सा को सी में बदल देंगे। वेयर डिड द बॉय सी आ टेम्पल, वेयर का जो उत्तर है वो कट जाए, ऑन द हिल पहाड़ी पर, ये वेयर का उत्तर है, इसको हम नहीं लिखेंगे। वेयर डिड द बॉयज सी आ टेम्पल, आंसर देख लेते हैं।
वेयर डिड द बॉय सी आर टेम्पल, बनाया कैसे है? पहले हमने क्वेश्चन वर्ड रखा वेयर, इसके बाद में हम बाकी को देखेंगे क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। हमने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें है मेन वर्ब, मेन वर्ब है। अब उसका हम रूप देखा हमने, इसका जो फॉर्म है ना वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हमें वेयर के बाद डिड रखना है, सब्जेक्ट रख देना, जो सेकंड फॉर्म था उसको हमें फर्स्ट फॉर्म बदल देना है, और जो वेयर का उत्तर है उसको हटा देना। वेयर डिड द बॉयज सी आर टेम्पल, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। एज सून एज ही क्लोज हिज आईज द टेलीफोन रेंग, एज सून एज ही क्लोज हिज आईज द टेलीफोन रेंग, हमें इसमें क्या करना, री राइट यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रूफ करना है। पहले हम नो सूनर लिख देंगे, एज सून एज को हटाएंगे और नो सूनर लिख देंगे। फिर हमें वाक्य को देखना है, क्या वाक्य में वर्ब दी गई है, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब के दी है। हमने देखा कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, यदि तो नो सूनर के बाद हम उसी हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डी रखना, सेकंड फॉर्म है तो डिड रखना, एस फॉर्म है मतलब वर्ब में एस या ईएस है तो डल रख देना। नो सूनर को हटा दिया, वो एस सुन एस को हटाया, उसके स्थान पर आ गया नो सूनर। इस बात का जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि क्लोज लिखा है इसमें, क्लोज वर्ब है, क्लोज वाक्य का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लिख देंगे नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज कामा के ऊपर देन, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रिंग। आंसर क्या बन गया, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रिंग। नेक्स्ट देखेंगे, अनिल हैज रिटन थ्री बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, अनिल हैज रिटन थ्री बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, इसको हमें चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। अनिल हैज का हो जाएगा हैड, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है उसमें हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, अनिल हैज का बन जाएगा हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। अनिल हैड रिटन थ्री बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट देखेंगे, आई सेड टू मोहन यू आर नॉट डूइंग राइट, आई सेड टू मोहन यू आर नॉट डूइंग राइट, क्या करना, चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, इसको नरेशन बदलना है। तो आई टोल्ड मोहन दैट यू है ना, जो जिस सेकंड पर्सन है जिस ऑब्जेक्ट में बदलेगा, आई टोल्ड मोहन दैट यू का हो जाएगा ही, बस आर का हो जाएगा बाज, आई टोल्ड मोहन दैट ही वाज नॉट डूइंग राइट, आई टोल्ड मोहन दैट ही वाज नॉट डूइंग राइट। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेंटेंसेस के माध्यम से टेंस की एक्सरसाइज करवाई गई है, नरेशन की भी करवाई गई है, पैसिव वॉइस की भी, डिटरमिनेंस वगैरह की। तो आप सभी को यह वीडियो उपयोगी लगा होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।